हेलो हाय, नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी के एसटी कैंपस के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रशांत। बिहार में एसटीटी के रिजल्ट को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। रिजल्ट डेट के बारे में कुछ अता पता नहीं लग रहा है। रिजल्ट डेट को लेकर या फिर रिजल्ट को लेकर एक इन्फॉर्मेशन आज हमें प्राप्त हुई है। आप सबके लिए ये इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूँ। रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है और क्या इस रिजल्ट का या फिर इस एसटीटी के पेपर से बीपीएससी टीआरयू 4.0 जो होने वाला है, क्या वो भी प्रभावित होगा? इस सारी चीज़ों के बारे में, सभी पहलुओं पर आज की इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप जुड़े रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। सबसे पहले हम एसटीटी रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। बिहार बोर्ड में कैलेंडर के अनुसार सितंबर में दूसरी परीक्षा होनी थी, लेकिन एसटीटी का रिजल्ट 3 माह बाद भी जारी नहीं हुआ है। 5 लाख अभ्यर्थी इसके इंतजार में हैं। 3 माह हो चुके हैं लेकिन अब तक रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। लगभग 5 लाख अभ्यर्थियों ने ये पेपर दिया था। और क्या है इस खबर में? बिहार विद्यालय समिति, जो कि बिहार बोर्ड की माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी एसटीटी का रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ है। परीक्षा के 3 माह बाद, 3 माह बीत चुके हैं लेकिन 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का अब तक रिजल्ट नहीं आया है, वो इंतजार में बैठे हुए हैं। बिहार बोर्ड की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार एसटीटी प्रथम 1 मार्च से 20 मार्च के बीच होनी थी, लेकिन कुछ कारण से इसकी तिथि बढ़ा दी गई थी। उक्त तिथि से परीक्षा होती तो रिजल्ट मई में ही ऑब्वियसली आ जाता, लेकिन बाद में ये पेपर फर्स्ट की परीक्षा 18 मई से 29 मई के बीच में ऑनलाइन मोड में हुई थी। वही सेकंड पेपर की परीक्षा 11 जून से 20 जून के बीच में हुई थी। पेपर वन के विभिन्न विषयों की परीक्षा में 3,59,489 तो वही सेकंड पेपर की परीक्षा में लगभग 2,37,442 अभ्यर्थियों का आवेदन प्राप्त हुआ था। कुल 5 लाख अभ्यर्थियों ने ये पेपर दिया था, ठीक है, कहने का मतलब ये है, और वो सभी 5 लाख अभ्यर्थी एसटीटी रिजल्ट के इंतजार में हैं। अब तक रिजल्ट नहीं आया है, जबकि दूसरी परीक्षा सितंबर में भी होनी थी, ये भी शामिल है इसमें। बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी इंतजार में रुके हुए हैं अब तक, क्योंकि उन्हें रिजल्ट नहीं प्राप्त हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है वो रुकेंगे। एसटीटी पहला और दूसरे परीक्षा और रिजल्ट की तिथियाँ जो है वो इस तरह से हैं, इसमें दी गई थी। एसटीटी पहला पेपर 1 से 20 मार्च होना था, लेकिन हुआ है ये 18 से 20 जून के बीच में, ठीक है। एसटीटी दूसरा पेपर 10 से 30 सितंबर के बीच में, लेकिन अब तक हुआ ही नहीं है। रिजल्ट दोनों का अब तक नहीं आया है। दूसरा पेपर हुआ नहीं है, दूसरा वाला हुआ नहीं है, तो रिजल्ट कहाँ से आ जाएगा? होना था ये 10 से 30 सितंबर के बीच में। 30 सितंबर बीतने ही वाला है, अब क्या है, मतलब 4 दिन बचे हुए हैं, अब क्या बचा है सितंबर में, लेकिन वो अब तक हुआ ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब तक रिजल्ट की कोई खबर सुत तो नहीं है बिहार बोर्ड की तरफ से। उम्मीद है कि जल्दी ही इस पर कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा, गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, बीपीएससी टीआरयू 4.0, जैसे 3.0 का रिजल्ट अनाउंस होता है, जो री एग्ज़ाम हुआ है, वो उसके बाद पूरी प्रक्रिया शुरू कर ली जाएगी 4.0 के लिए, ठीक है। आप अपनी तैयारी करते रहो, 4.0 में एक अच्छा मौका आपको मिलने वाला है, वो तो आपको कैसे भी नहीं छोड़ना है। अगर वो आपने छोड़ दिया तो आप अपने हाथों से एक अच्छा मौका गंवा दोगे, उसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। इस पर जैसे ही कोई नया न्यूज़ आता है या फिर कोई खबर आती है, मैं आपको ज़रूर पहुँचाऊंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।